न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कोविड के पॉजिटिव मामलों के बारे में। हडबे के लोगों का कहना है कि 93 कोरोना पॉजिटिव केस हडबे में पाया गया है, मगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कोविड बुलेटिन में उसे शामिल नहीं किया गया है। हमारे चैनल द्वारा कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर अभिजीत रॉय से संपर्क किया गया और जानने की कोशिश की कि किस कारण कोविड बुलेटिन में कोरोना के कुल संख्या में इस आंकड़े को शामिल नहीं किया गया। डॉक्टर अभिजीत से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हडबे में कोरोना के एक्टिव केस 93 है या नहीं। उन्होंने कहा 93 केस है। जब हमने उनसे पूछा कि बुलेटिन में इस आंकड़े को क्यों शामिल नहीं किया गया, उन्होंने कहा शामिल किया हुआ है। जबकि हमारे सूत्रों के अनुसार हडबे में एक्टिव केस 16 तारीख को दर्ज किया गया। अंडमान के कोविड बुलेटिन में 16 तारीख को एक्टिव नए केस 26 दर्ज किया गया है, जो कि संपर्क में आए हुए लोग हैं। 17 तारीख को एक्टिव नए केस 29 दर्ज किया गया है, जो संपर्क में आए हैं, और 18 तारीख को 28 एक्टिव नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक संक्रमित व्यक्ति एयरपोर्ट से पाया गया। इन 3 दिनों में एयरपोर्ट के मामले को हटा दिया जाए तो कुल संख्या 82 होती है। अंडमान प्रशासन से लोगों का सवाल है कि हडबे के 93 मामले को कुल आंकड़ों में दर्ज कब किया जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर काफी लोग संपर्क कर रहे हैं। वे सभी यह जानना चाहते हैं कि कोविड के एक्टिव केसेस सही तरीके से क्यों बताई नहीं जा रही है। तो आइए हम अंडमान निकोबार कोविड नोडल ऑफिसर से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर, ये हडबे में कितना केस आया है? सर 93 सुने थे। हाँ, मगर अभी तक उसको ऐड नहीं किया सर। अभी तक ऐड नहीं किए वो टोटल फिगर में सर। हमने सब्जेक्ट ऐड किया इस चीज को। जी सर। जैसे सर रिजल्ट कंफर्मेशन, जैसे सर रिजल्ट कंफर्मेशन आ रहा है। जी सर। हर दिन का 20-25 का ऐड कर रहे हैं, उसको देखिएगा न्यूज प्लीज। नहीं सर, हम लोग तो डेली देख रहे हैं। जिस दिन वहाँ पे आप लोग एक्टिव केस बताए हैं उसके दूसरे दिन वो 93 तो कहीं ऐड नहीं हुआ है सर, दूसरे या तीसरे या चौथे दिन में भी। सब ऐड हो रहा है, 93 ऐड हो रहा है, सब ऐड हो रहा है, देखिएगा सर। हम लोग देख के तो बता रहे हैं सर। देखिए सारा केसेस जो है एक दिन में हम लोग निकला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। जी, रिपीट पॉजिटिव है वो देख रहे हैं हम लोग। लैब से जैसे कंफर्म रिपोर्ट आता है, एक होता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एक होता है कंफर्म रिपोर्ट। जैसे लैब से केप में आ रहा है अपना कंफर्म रिपोर्ट, हम कर रहे हैं उस चीज को। तो आपका कहना यह है कि सर वो 93 को एक दिन में आप दिखा रहे हो, आप देखने अभी बोल रहे हो ना। जी, तो जैसे आपसे कंफर्मेशन आते जाता खेत से हम उसको दिखाते जा रहे हैं। नहीं सर, वो कंफर्मेशन आने के बाद ही तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन रखा हुआ है सर। कंटेनमेंट जोन ऐसे भी लग सकते हैं, अगर उसको रैपिड में भी पॉजिटिव है तो भी रख सकता है। जरूरत ही पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ सर कि रैट में भी कर सकते हैं, मगर रैट टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो, अब अगर पॉजिटिव आने के बाद ही आप वहाँ पे कर सकते हो ना सर। जब तक अगर केस, जैसे कि डेढ़ महीने में कोई केसेस नहीं आए, अचानक केस आ गया और उसके बाद में तुरंत आप लोगों ने लास्ट वीक में डेथ हुआ है, लास्ट टू लास्ट वीक भी डेथ हुआ था हमारा हडवे में, पॉजिटिव केस दिखाए उसके हडवे में। जी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। लास्ट वर्ष भी डेथ हुआ था तो दिखाया, हमने किया था हमने। जी जी मैम, ठीक है सर, थैंक यू सर, आप बात करें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।